हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काले चने की एक मज़ेदार रेसिपी। बहुत ही टेस्टी इजी रेसिपी, मिनटों में बनने वाली। सो फ्रेंड्स, आज की ये चना चाट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप चना लिया है। चने को मैंने कल रात में भिगोकर रख दिया था। आप चाहे तो इसे 5-6 घंटे पहले भी भिगोकर रख देंगे तो ये अच्छे से बिल्कुल फूल जाएगा। उसके बाद एक कुकर लेंगे और चने को कुकर में डाल देंगे और 1 ग्लास पानी भी ऐड करेंगे। इसके बाद कुकर का ढक्कन लगाएंगे और हम इसे गैस पर रख देंगे। 2 सीटी आने तक इसे गैस पर रखें। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। तो यहाँ पर देखिए सीटी भी आ गई है और कुकर जो है ठंडा हो गया है। तो हम चेक कर लेते हैं चने अच्छे से हुए हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं चने बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसके लिए मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया। 1 चम्मच इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच से भी कम गर्म मसाला पाउडर लेंगे और 1/2 चम्मच से भी कम हल्दी लेंगे। पानी ऐड करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लें और इसका एक पेस्ट रेडी कर लें। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब गैस ऑन करके एक मैंने कढ़ाई रखा है। कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर दिया है। 1/4 चम्मच जीरा लेंगे, 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छे से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से बिल्कुल पक गया है। उसके बाद ये मिक्स किया हुआ जो इंग्रेडिएंट्स है हमारे पास मसाले, उसे हम ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम इस टाइम आप बिल्कुल लो रखें वरना ये बहुत तेज़ी से उछल सकता है। तो गैस का फ्लेम लो रख के इसे ऐड करें और अब इसे हम मिक्स करेंगे। मसाले को 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से ऑयल रिलीज़ होने लगे तो इसका मतलब है कि मसाला जो है रेडी हो गया है। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए आप मसाले को फ्राई करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बीच बीच में आप मसाले को चलाते रहें वरना ये नीचे से चिपक सकती है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि मसाले जो हैं अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। तो यहाँ पे बॉईल किया हुआ चना ऐड कर देंगे और मसाले में इसे अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर देंगे। अब चने को भी 5 मिनट तक हमें फ्राई करना है ताकि ये मसाले में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। चने में उबालते टाइम हमने नमक ऐड नहीं किया था इसलिए यहाँ पे बराबर नमक हमें ऐड करना होगा, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। तो इसे बस फ्राई करते रहें, भूनते रहें अच्छे से। बीच बीच में आप ज़रूर चलाएँ, ये मज़ेदार एकदम टेस्टी बनने वाला है। इस लॉकडाउन में बाहर का खाना आपको बिल्कुल भी नहीं याद आने वाला है ये चना चाट खाने के बाद। सो, यहाँ पे ये अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट में सर्व कर लूँगी और ऊपर से अब इसमें आप जो भी डालना चाहे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बारीक कटा हुआ अनियन डाला, टमाटो ऐड कर देंगे बारीक कट किया हुआ, उसके बाद बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता। आप चाहें तो सभी को एक साथ में मिक्स कर सकते थे बट मैंने प्लेट में अलग अलग किया। अब अगर आपको और इसमें खट्टा मीठा फ्लेवर चाहिए तो आप दही ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नींबू ऐड कर रही हूँ। नींबू का ये जो रस होता है इससे इसका टेस्ट बिल्कुल दुगना चौगुना हो जाता है। तो आप दही ना ऐड करके ये जो नींबू का रस है ये ज़रूर ऐड करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अब लीजिए चना चाट बनके बिल्कुल रेडी है। अब खाइए और सभी को खिलाइए और सभी से तारीफ़ें पाइए क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इजी रेसिपी है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कर देना
ताकि आप मेरी न्यू वीडियो से नोटिफाई रह सके। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।